शैतानिरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हाकिम अली है, मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और डीन मेडिसिन अलाइड सब्जेक्ट्स में चांडका मेडिकल कॉलेज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में काम करता हूँ। आज जो है वो फार्मायो की तरफ से आज़ादी और डायबिटीज़ पे एक मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कहा गया है। सो उससे पहले मैं कुरान मजीद की एक आयत का जिक्र करूँगा, फबी आई अला रब्बिकुमा तकज़्ज़िबान। ए जिन्न और इंसान, तो अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं और उनमें से जो है वो आज़ादी और सेहत, एक दोनों जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आज़ादी क्या है, आज़ादी क्या है, आज़ादी क्या है, आप उनसे पूछें, आप फ़लस्तीन से पूछें, फ़लस्तीनी लोगों से पूछें आज़ादी क्या है, आप कश्मीरी लोगों से पूछें कि आज़ादी क्या है। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी जब हमें आज़ादी मिलती है तो हम सारे काम अपने मर्ज़ी से करते हैं, उठते बैठते खाते पीते अपने मर्ज़ी से हैं, और जब आज़ादी नहीं होती तो ग़ुलामी होती है। जैसे कि आप कश्मीर को देखें कि गुज़श्ता एक साल से वो एक बंद है और कर्फ्यू लगा हुआ है। आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी नेमत है वो सेहत है। सेहत के हवाले से जो आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, डायबिटीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं इस मैसेज के हिसाब से, इस वीडियो मैसेज के हिसाब से सब लोगों को, अपने पाकिस्तानियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ से बचना मुमकिन है अगर हम एक बैलेंस डाइट लें, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, अगर हम जो है वो स्ट्रेस और इससे पाक रहें, तो जो है हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। सेहत का, आज़ादी का बेहतरीन इस्तेमाल तभी होगा जब हम सेहतमंद होंगे। अगर हम सेहतमंद नहीं होंगे तो हमें आज़ादी का सही लुत्फ़ानंदोज़, आज़ादी से सही लुत्फ़ानंदोज़ नहीं हो सकेंगे। 14 अगस्त के हिसाब से मैं एक अपने पाकिस्तानी भाइयों को एक जो है वो मैसेज देना चाहता हूँ, जो कि एक इकबाल के शहर से है कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल न हो। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फायदाबाद।